जोकर एक ऐसा विलेन जिसे फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और सच कहूं तो यही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको लेकर फैंस मार्वल और डीसी का झगड़ा नहीं करते एंड सभी इसे पसंद करते हैं। और इन सब के ऊपर से जल्द ही इसकी एक सोलो मूवी भी आने वाली है जिसे रिलीज होने से पहले ही अवार्ड मिल रहे हैं। लेकिन क्या है इस कैरेक्टर की कॉमिक बुक स्टोरी, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अभी तक कॉमिक बुक्स में जोकर की कई ओरिजिन स्टोरी आ चुकी है, लेकिन सबसे पॉपुलर स्टोरी रही द किलिंग जोक, जो कि 1988 में रिलीज किया गया था और 2016 में रिपब्लिश। जोकर की कहानी की शुरुआत होती है अरकहम असाइलम से। हम देखते हैं बैटमैन असाइलम के अंदर जा रहा है और असाइलम के अंदर एक सेल में जोकर है। बैटमैन उसके सामने बैठता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। वो बोलता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है और एक दिन ऐसा आएगा या तो तुम मुझे मार दोगे या मैं तुम्हें। बैटमैन बोलते रहता है लेकिन जोकर जवाब नहीं देता। गुस्से में वो उसका कॉलर पकड़ देता है और यहीं से स्टोरी पास्ट में जाती है। हम देखते हैं कि जोकर अपने घर में घुसता है। अब क्योंकि कॉमिक्स में जोकर का असली नाम रिवील नहीं किया गया है तो मैं उसे यहाँ जोकर ही बुलाऊंगा। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा, लोगों को तुम्हारा शो पसंद आया या नहीं, जिसपे वो बोलता है कि वो मुझे कॉल करेंगे बट शायद लोगों को उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी वाइफ दुखी होते हुए बोलती है ओह, जिसपे वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि ओ से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है मुझे हमारी चिंता नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारे हालात सुधर जाएं। उसकी वाइफ उसे संभालती है और बोलती है कि तुम्हें जॉब मिले या ना मिले, तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। बेसिकली हमें यहाँ पे यही दिखाया गया है कि वो एक फेल्ड कॉमेडियन है जो कि स्ट्रगल कर रहा है। साथ ही उसके मेंटल स्टेट से तो यही लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका है और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि वो दो लोगों के साथ एक बार में बैठा है। वो बताता है कि पहले उसके पास एक केमिकल प्लांट में लैब असिस्टेंट की अच्छी जॉब थी, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी एक कॉमेडियन बनने के लिए। मुझे भरोसा था कि मैं यह कर सकता हूँ और आज देखो मैं कहाँ हूँ, अपने फैमिली का ख्याल रखने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बगल में बैठा आदमी बोलता है कि टेंशन ना लो, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, बस ये काम हो जाए तो तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस रॉबरी में इन्वॉल्व थे। जोकर पूछता है कि आखिर करना क्या है। वो बोलते हैं कि तुम जिस केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे उसके बगल में ही एक प्लेइंग कार्ड कंपनी है जहाँ हमें रॉबरी करनी है। अब क्योंकि तुम उस केमिकल कंपनी में काम कर चुके हो तो तुम्हें पता है कि वहाँ सिक्योरिटी कितनी होती है और आने जाने का रास्ता क्या है, और वहीं घुसने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि वहाँ से हम बगल वाले प्लेइंग कार्ड कंपनी में घुस पाए। जोकर थोड़ा हिचकिचाता है। वो फिर आगे बोलते हैं कि अब किसी को शक ना हो कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो, उसके लिए तुम्हें ये मास्क पहनना होगा। जोकर बोलता है कि ये तो रेड हुड का मास्क है जो कि पूरे शहर में हुए बड़े बड़े रॉबरी में इन्वॉल्व रहता है। वो दोनों बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर किसी ने तुम्हें देख भी लिया तो सारे लोगों को यही लगेगा कि ये रेड हुड गैंग का काम है। जोकर फिर हिचकिचाते हुए बोलता है कि केमिकल फैक्ट्री के बारे में वो उतना अच्छे से नहीं जानता कि उसे सारे रास्ते पता हो। वो बोलते हैं कि क्या तुम अपने बच्चों को गरीबी में बड़ा करना चाहते हो, जिसके बाद वो मान जाता है। वो बोलता है कि इन पैसों से वो नई शुरुआत करेगा एंड देन तीनों डिसाइड करते हैं कि ये काम फ्राइडे को रात 11 बजे करना है। अगले हफ्ते फ्राइडे की सुबह वो तीन फिर से उस बार में मिलते हैं। तीनों डिस्कस करते रहते हैं कि रात का क्या प्लान है और कैसे क्या करना है। तभी बार में कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो सीधे पहुंचते हैं जोकर के पास। वो तीनों अचानक पुलिस को देखकर डर जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला जोकर को बोलता है कि आप हमारे साथ बाहर आओ। जोकर डरते हुए पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, जिसपे एक पुलिस वाला बोलता है कि मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है लेकिन एक एक्सीडेंट में आपकी वाइफ जिनी की डेथ हो गई है और ज्यादा डिटेल के लिए आपको हॉस्पिटल आना होगा। जोकर सदमे में चला जाता है। वो किसी तरह से अपने आप को संभाल के वापस अंदर की ओर जाता है। वो उन दोनों को ये बात बताता है। वो लोग वहाँ से उठने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें दुख है, हमें लगता है तुम थोड़ी देर अकेले रहना चाहोगे, हम लोग रात में केमिकल फैक्ट्री के बाहर मिलते हैं। जोकर बोलता है रात में, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, अब पैसों का क्या फायदा, अब तो जिन ही नहीं है। वो दोनों उसको धमकाते हैं और बोलते हैं कि अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, हमारे साथ काम करो या जान से हाथ धो बैठो, तो मिलते हैं रात में। और ये बोलते हुए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रात में वो तीनों केमिकल फैक्ट्री के बाहर आते हैं। वो दोनों उसको रेड हुड मास्क दे देते हैं। मास्क पहनते ही वो बोलता है कि इसमें तो मुझे ना के बराबर दिख रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ अब बहुत बहाने हो गए, अब हमें आगे का रास्ता दिखाओ। वो तीनों फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। जोकर उन्हें आगे का रास्ता बताते रहता है लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है फ्रीज हैंड्स अप। उनमें से एक जोकर को बोलता है कि तुमने तो बोला था कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं होती। जोकर बोलता है कि हाँ पहले नहीं होती थी, शायद मेरे जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने ये सब कर दिया होगा। और इतने देर में दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं जिसमें वो दोनों गुंडे मारे जाते हैं
और बचता है अकेले जोकर। सिक्योरिटी वाले उस पर गोली नहीं चलाते, उनको लगता है कि ये उनका लीडर रेड हुड है, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना सही होगा। और उधर जोकर एक डेड एंड की तरफ भागते रहता है, तभी एंट्री होती है बैटमैन की। बैटमैन बोलता है कि रेड हुड फाइनली तुम हाथ आ ही गए, लेकिन इतने में ही जोकर वहाँ से केमिकल वेस्ट में गिर जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उस केमिकल के वजह से उसकी स्किन वाइट हो जाती है, होंठ लाल हो जाते हैं और बाल हरे, और वो लगातार हंसते रहता है। और इसी के साथ जन्म होता है जोकर का, जिसे आज हम सब पहचानते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये कहानी जोकर ने खुद बताई है, और कॉमिक्स में ही जोकर ने ये बोला था कि उसे उसके पास्ट हमेशा अलग अलग तरह से याद रहते हैं, और अगर उसको पास्ट की स्टोरी ही चाहिए होगी तो वो प्रेफर करेगा कि उसके मल्टीपल पास्ट हो। इसीलिए हमें इस कैरेक्टर का अभी तक कॉमिक्स में ना प्रॉपर नाम बताया गया है, ना ही कोई एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी। और जोकर के पास्ट के साथ जोकर का नाम भी अभी तक सिर्फ मिस्ट्री है। तो यार ये थी जोकर की ओरिजिन स्टोरी, होप्स आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, और ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जोकर का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड दूसरे कैरेक्टर की ओरिजिन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊँगा, टिल देन बी देसी बी नर्ड।